Hey guys, I'm Arushi and welcome to my channel. So, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये बहुत ही आसान सा एबाकसम कैसे बना सकते हैं। जी, so पहले भी आपने एक वीडियो देखी होगी जिससे मैंने एबाकस बनाना सिखाया था। बट ये एक दूसरे तरीके का एबाकस है। इसमें ना ही बीट्स खोने की टेंशन और ना ही टाइम वेस्टेज। So, let's see that. सो गाइज, आपको यहाँ पर इस तरीके का एक बॉक्स लेना है। मैंने ऐसा बॉक्स लिया है जिसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है और लंबाई तो आप कितनी भी मर्ज़ी अपनी ले सकते हैं। तो क्योंकि ये बॉक्स जो कि थोड़ा सा पतला है, तो मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर्स को क्रश करके डाल रही हूँ ताकि वो अंदर से भी थोड़ा सा सॉलिड हो जाए। तो अब हम इस तरीके का कोई भी कलर का पेपर ले लेंगे। पेपर लेने के बाद हमें बस इसको कवर करना है, जैसे हम नोटबुक में कवर चढ़ाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसको हमें कवर कर लेना है अच्छे से। अब आपको भी पता है कि हमें इस काम के लिए ऑफकोर्स हमारे फेस मटेरियल और सुपर वेस्ट पेपर लेना है। तो ऑफकोर्स मैंने भी यहाँ पर एकदम सुपर वेस्ट पेपर लिया है जो कि थोड़ा सा छोटा पड़ गया है। बट नॉट टू वरी, मैं इसके ऊपर एक और लेयर लगा दूंगी जो मेरे पास पतला सा एक पेपर बचा हुआ था। तो इसी तरीके से हम साइड्स को भी कवर कर लेंगे। हम कट करके भी कवर कर सकते हैं और फोल्ड करके भी, एज पर योर विश। तो अब मैं इस पेपर की मदद से हमारी बीट्स बनाऊंगी। तो बीट्स मैं यहाँ पर बना के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो आप एक दूसरी वीडियो में आराम से देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने दो तरीके उसे बताया है कि हम बीट्स कैसे बना सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो गाइस, चलिए बात करते हैं हमारे स्टैंड की। तो मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर ले रही हूँ, चार्ट पेपर नहीं ले रही हूँ या फिर कोई और पेपर इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा मोटा होता है। बट मुझे थोड़ा सा पतला पेपर चाहिए था ताकि मुझे फोल्ड करने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। अब हम करेंगे इसको रोल। रोल इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा स्टैंड है वो अच्छे से खड़ा हो जाए और सॉलिड भी रहे। और अब ऐसे ही हम दो और बना लेंगे, या फिर आप जितने भी बनाना चाहते हैं उतनी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 1, 10, और 100 तक का बना रही हूँ एबाकस, तो इसलिए मैं सिर्फ 3 बनाऊंगी। और अब हम करेंगे इसको कलर। मैं यहाँ पर रेड कलर ले रही हूँ, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। और हाँ, मैं यहाँ पर एक्लेरिक कलर्स ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा बॉक्स, हमारे बीट्स और हमारा स्टैंड सब रेडी है। So, अब हमें इसको अच्छे से खड़ा करना है। तो अब यहाँ पर या तो फेविकॉल की मदद से या फिर टेप की मदद से एक तरफ से इसको स्टैंड लगा देंगे। उसके बाद सारी बीड्स इसमें डाल देंगे क्योंकि इसके बाद हमारी जो बीड्स है वो बाहर नहीं निकल पाएंगी। ठीक है, बहुत ही आसान है और बहुत ही कारगर भी है क्योंकि जब बच्चे इसको यूज़ करेंगे तो बीड्स हमारी इसी में रहेंगी, वो वेस्ट नहीं होंगी और ना ही खोएंगी। तो इस तरीके से आप बीड्स अंदर डालने के बाद जो दूसरा एंड है उसको भी सिक्योर कर लेंगे, या तो टेप की मदद से या फिर फेविकॉल की मदद से। तो अब इसको बहुत अच्छे से सिक्योर करने के लिए, ताकि निकले नहीं, मैं यहाँ पर इसके ऊपर एक पतला सा पेपर और लगा रही हूँ फेविकॉल की मदद से। पतला सा पेपर वही जो हमने जब कवर करते समय कट किया था उसको ही यूज़ कर रहे हैं ऐसे। और इस तरीके से ये बहुत ही अच्छे से सिक्योर हो जाएगा और निकलेगा नहीं।
और इसी तरीके से हम बाकी के दो जो हमारे स्टैंड है उनको भी ऐसे ही अटैच कर देंगे। सो गाइज, आई एम श्योर कि आपको पसंद आ रहा होगा, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर इस वीडियो ने आपको कहीं ना कहीं जरा सा भी हेल्प किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है, प्लीज वॉच टिल द एंड। ओके। सो फाइनली जब ये अटैच हो जाएगा तो हमारा बिकस रेडी हो जाएगा। सी, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपका बिकस कैसा लगा। टूडल्स, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।